हेलो दोस्तों, स्मार्ट एजुकेशन GDR में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त HR कुशवाहा। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आई नो। देखो, बहुत छोटी चीज़ें हैं, आई नो, आई न्यू, आई बैट, आई श्वेयर, ठीक है। उसके बाद लिखा आई गॉट, आई टोल्ड, आई फाउंड, आई रेज्ड, आई स्पेंट, आई मेड, आई फेल, आई कैप्ट। इतना इजी और इतना लेटेस्ट तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा जो यहाँ आज आप देख रहे हैं। अब देखते हैं इनका प्रयोग क्या है। इन वर्ड्स का मतलब आपको पता होगा, बहुत आसानी से मुझे पता है, आप देखते रहते हैं, लेकिन इनका एग्जैक्ट यूज़ क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलो हम तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आई नो। सबको पता है आई नो का मतलब क्या होता है? भाई मुझे भी पता, आई नो का मतलब मुझे पता है या मैं जानता हूँ, मुझे पता है या मैं जानता हूँ। जैसे कि मुझे पता है, आई नो, मुझे पता है वह आएगा, आई नो, आई नो ही विल कम, मुझे पता है वह आएगा। तो क्या हो जाएगा, आई नो ही विल कम, मुझे पता है। हिंदी भी लिख सकते हैं, मुझे पता है वह आएगा, ठीक है, मुझे पता है वह आएगा, ठीक है, आई नो ही विल कम, ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा दूसरा दिया है आई न्यू, मुझे पता था, आई न्यू, मुझे पता था। चलो देख लो, मुझे पता था या मैं जानता था, मुझे पता था या मैं जानता था वह गरीब है, मैं जानता था वह गरीब है। तो क्या हो जाएगा, आई न्यू दैट ही वॉज पुअर, मैं जानता था वह गरीब है, मैं जानता था वह गरीब है। तो क्या हो जाएगा, मैं जानता था, आई न्यू दैट ही वॉज पुअर, मैं जानता था वह गरीब है या वह गरीब था। दरअसल यहाँ पे हम बात था की करें, इसलिए ये होना चाहिए मैं जानता था ही इज पुअर। तो यहाँ पे आप ये कर सकते हैं, बात की जगह पर आप इस भी कर सकते हैं, ही इज पुअर, मैं जानता था वह गरीब है, मुझे तभी भी पता था कि वह गरीब है। तो यहाँ पे बात यह है कि न्यू की बात हो रही, मतलब सेकेंड फॉर्म ऑफ द नो, ठीक है, ये हो गया। चलो आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट वन। अब यहाँ पे आया है आई बैट। आई बैट का मतलब होता है शर्त लगाना, शर्त लगा लो, ठीक है, शर्त लगा लो। जैसे कि देख लो कैसी शर्त लगा रहे भाई, कैसी शर्त लगवा रहा है, शर्त लगा लो। जैसे कि मैंने कहा शर्त लगा लो वह मैच जीतेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, शर्त लगा लो, आई बैट ही विल विन द मैच, शर्त लगा लो वह मैच जीतेगा, ठीक है भाई, समझ में आया, शर्त लगा लो वह मैच जीतेगा। आई बैट सी विल कम, शर्त लगा लो वह आएगी। आई बैट सी विल मैरी यू, शर्त लगा लो वो तुमसे शादी कर लेगी। आई बैट राम विल विन द मैच, राम मैच जीतेगा। आई बैट ही विल स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, वह क्लास में टॉप होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट वन। यहां पे दिया है आई श्वेयर। जैसे ये होता है शर्त लगा लो, यहां पे होता है कसम, ठीक है, कसम खाना। जैसे कुछ लोग बात बात में कसम खाते हैं ना, कुछ लोग बोलते हैं भगवान की कसम, कसम से आई श्वेयर, ठीक है, कुछ लोग मदर श्वेयर बोलते हैं, माँ की कसम, गॉड श्योर होता है भगवान की कसम, ठीक है, आई श्वेयर। जैसे कि मैंने कहा आई श्वेयर आई विल नॉट लीव यू, मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आई श्वेयर आई विल नॉट लीव यू, आई श्वेयर आई श्वेयर, देखो आई श्वेयर आई विल नॉट लीव यू, मैं कसम खाता हूं कि मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। आई श्वेयर आई विल नॉट लीव यू अलोन, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो हम लोग कसम खा लेते हैं श्वेयर, तो समझ में आएगा श्वेयर मतलब
कसम खाना, याद रखना है आपको, श्वेर मतलब होता है कसम खाना। आई श्वेर आई विल नॉट लीव यू अलोन, मैं कसम खाता हूँ मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलो वन मोर आगे देख लेते हैं, श्वेर आगे होगा समझ में। अब यहाँ पे दिया है आई गॉट, आई गॉट, आई गॉट का मतलब क्या होता है भाई? जनरली ये होता है आई गॉट का मतलब होता है मैं समझा, या है ना, मैं समझा या मुझे प्राप्त हुआ, दोनों देख ले रहे हैं ठीक है। तो मैं हो गया, या मैं, ये भी मतलब होता है कि मैं फंस गया ठीक है, या मैं हो गया। जैसे कि मैं कहता हूँ कि मैं बीमार हो गया, आई गॉट सिक, तो क्या हो जाएगा? चार के बाद पाँच, सॉरी, चार के बाद पाँच, आई गॉट सिक, मैं बीमार हो गया, मैं बीमार हो गया, आई गॉट सिक, मैं बीमार हो गया। श्वेर के बाद आता है हमारा आई गॉट सिक, मैं बीमार हो गया। आई गॉट फॉल, ठीक है ना, आई गॉट सिक ठीक है। आई गॉट इल, मैं बीमार हो गया, सिक भी होता है इल भी होता है ठीक है। आई गॉट स्टक, मैं फंस गया ठीक है ना। आई गॉट रेडी, मैं तैयार हो गया था, आई गॉट रेडी ठीक है, समझ में आया। आई गॉट कन्फ्यूज, चलो जैसे कि एक हो जाएगा आई गॉट कन्फ्यूज, मैं भ्रमित हो गया था। तो गॉट का मतलब यहाँ पे समझ में आ रहा है, मैं हो गया था, आई गॉट कन्फ्यूज, मैं चकित हो गया, आई गॉट सरप्राइज, ये भी हो जाएगा, समझ में आना चाहिए आपको, बनना चाहिए ठीक है। बाकी एक बार और बताऊंगा मैं इस वीडियोस को फिर से अच्छे तरीके से, वैसे तो अच्छा तरीका ये भी है, पर फिर भी एक बार और बताऊंगा मैं आपको बाद में ठीक है। आई टोल्ड, ये तो बड़ा सिंपल है यार, आपको पता होगा आई टोल्ड, इसमें क्या है सर? ये तो पता है, मैं समझा, आई सॉरी टुक है ये, आई टुक, सॉरी आई टुक, इसे क्या पढ़ेंगे? आई टुक, टी डबल ओ के है ये, आई टुक, ये गलत हो गया, आई टुक ठीक है, मैं समझा। अब देखो कैसे समझा, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि पता नहीं ये मास्टर क्या बता रहा है, आई टुक मतलब मैं समझा ठीक है। आई टुक यू टू द डॉक्टर, आई टुक यू टू द डॉक्टर, मैंने तुम्हें डॉक्टर समझा, मैंने तुम्हें डॉक्टर समझा। जैसे कि आई टुक यू डॉक्टर ठीक है, जैसे मैं कहूं डोंट टेक मी, जैसे मैं कह सकता हूं दूसरा एग्जाम्पल, डोंट डोंट टेक मी प्यून, डोंट टेक मी या प्यून, मुझे प्यून मत समझो, मुझे प्यून मत समझो, डोंट टेक मी या प्यून, मुझे प्यून मत समझो। और देखो क्या हो सकता है, एक मिनट, जैसे मैंने उसे पागल समझा, आई टुक हिम टू ए मैड, मैंने उसे एक पागल समझा, आई टुक हिम टू ए मैड। तो टुक का मतलब क्या होता है? समझना ठीक है। जैसे कि यू आर टेकिंग मी अ टीचर, तुम मुझे एक टीचर समझ रहे हो, यू आर टेकिंग मी अ टीचर, तुम मुझे एक टीचर समझ रहे हो ठीक है। चलो आगे देखो, अब बात करते हैं हम फाउंड, फाउंड फाउंड का मतलब होता है जैसे मैंने पाया या मुझे मिला कोई भी चीज, मैंने पाया या मुझे मिला, आई फाउंड। जैसे कि मान लीजिए मैं वहां गया तो मैंने उसे पाया, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, मैंने उसे पाया, आई फाउंड हिम प्लेइंग, आई फाउंड हिम प्लेइंग, मैंने उसे खेलते हुए पाया, मैंने उसे खेलते हुए पाया, आई फाउंड हिम, आई फाउंड हिम प्लेइंग, मैंने उसे खेलते हुए पाया, आई फाउंड हिम स्लीपिंग, मैंने उसे सोता हुआ पाया, आई फाउंड हिम डांसिंग, मैंने उसे डांस करते हुए पाया, आई फाउंड हिम प्लेइंग, मैंने उसे खेलता हुआ पाया। तो फाउंड का मतलब क्या होता है? मैंने पाया या मैंने देखा,
आई फाउंड, ठीक है। अच्छा फाउंड का एक मतलब खोजना भी होता है, मिलना भी होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन है आई रेज। रेज मतलब होता है जैसे कि किसी को, किसी की तरक्की करा देना, किसी को पुश कर देना, किसी को हेल्प करके किसी को प्रोग्रेस करा देना, तो वहाँ पे हम रेज जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं। प्रमोट कर देना किसी को, तो वहाँ पे देखो जरा कैसे आपको बड़े अच्छे समझ में आएगा। सॉरी, अटेंड द कॉल ऑफ नेचर, ठीक है। मैंने बनाया रेज्ड, रेज्ड मतलब होता है मैंने बनाया, जैसे कैसे बनाया तो चलो देख लेते हैं। आई रेज्ड हिम अ डॉक्टर, तो क्या हो जाएगा, आई रेज्ड हिम अ डॉक्टर। कुछ लोग बोलते हैं ना, भैया मैंने उसे डॉक्टर बनाया, आज वो मेरी बात नहीं मानता या मुझे ही कुछ नहीं समझता, तो क्या रहेगा, मैंने मैंने उसे डॉक्टर बनाया। मैं थोड़ा सा लापरवाही से लिखता हूँ, ये सही बात है, अच्छे से लिखना चाहिए, इट्स माई मिस्टेक। मैंने उसे डॉक्टर बनाया, तो क्या हो जाएगा, आई मेड आई रेज्ड हिम अ डॉक्टर, मैंने उसे डॉक्टर बनाया। चलो ठीक है, इसके आगे और लिखते हैं, कुछ और बचेंगे। नेक्स्ट वन इज हम देखते हैं आई स्पेंट। स्पेंट का मतलब होता है कोई भी व्यतीत करना, खर्च करना भी होता है, व्यतीत करना भी होता है, या गुजारना भी होता है। यहाँ और देख लेते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मीनिंग दिए रहते हैं, तो वही मैंने खर्च किया, मैंने बिताया, या मैंने खर्च कर दिया, या मैंने बिताया, आई स्पेंट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आई स्पेंट माई टाइम इन लोनली, मैंने अपना समय एकांत में व्यतीत कर दिया। आई स्पेंट माई टाइम इन लोनली, आई स्पेंट माई वन बैड आवर्स, ठीक है। आई स्पेंट माई वन बैड आवर्स, मैंने एक बुरा एक घंटा व्यतीत किया, ठीक है। तो इस प्रकार से बिताया, आई स्पेंट माई वन बैड आवर्स, मैंने अपने एक घंटा बिता दिया, ठीक है। या आई स्पेंट माई टाइम इन लोनली, मैंने मेरा अपना समय अकेले में व्यतीत कर दिया, ठीक है। तो वहाँ पे स्पेंट आ गया। अब यहाँ पे आ रहा है मेड। मेड होता है कोई भी काम करवाना। मेड क्या होता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसलिए ज़्यादा डीपली नहीं बता रहा। मैंने कोई भी काम करवाया है, कराया, जैसे कि हम कहते हैं कि मैंने उसे हंसाया, मैंने उसे हंसाया, तो क्या हो जाएगा, आई मेड हिम लाफ, मैंने उसे हंसाया, मैंने उसे हंसाया, आई मेड हिम लाफ, मैंने उसे रुलाया, आई मेड हिम क्राई या बीप। बड़ों को रुलाना बीप होता है, बच्चों को रुलाना क्राई होता है, आई मेड हिम क्राई, मैंने उसे हंसाया, मैंने उसे पढ़ाया, आई मेड हिम टीच, पढ़ाया मतलब उसे पढ़ने को कहा, ठीक है, आई मेड हिम, इस प्रकार से हो जाएगा, उसे हंसाना, उसे रुलाना, ठीक है, उसे दौड़ाना, आई मेड हिम रन, मैंने उसे दौड़ा दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से चलो आगे देखते हैं। वन मोर, बड़ा इजी है और पढ़ने में बड़ा मजा आता है अगर ऐसी चीज़ पढ़ें तो। आई फेल, अब देखते हैं, फेल मतलब होता है किसी भी चीज़ में पड़ना, किसी भी चीज़ में पड़ना, आई फेल। जैसे कि हम कहते हैं कि आई फेल इन टू ट्रैप, जैसे हमने कहा कि आई फेल इन लव, मैं प्यार में पड़ गया, आई फेल इन टू ट्रैप, मैं जाल में फंस गया या जाल में पड़ गया, आई फेल इन फीवर, आई फेल इन फीवर, मैं बुखार में पड़ गया। तो समझ में आया, फेल मतलब होता है किसी भी चीज़ में पड़ जाना, आई फेल इन फीवर, आई फेल इन लव, आई फेल इन टू ट्रैप, मैं जाल में पड़ गया, जाल में फंस गया, ठीक है। आगे देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है। आई कैप्ट का मतलब होता है मतलब कोई भी चीज़ करता रहा, कोई भी चीज़ करता रहा, जैसे मान लीजिए वह सोता रहा, वह खेलता रहा, वह पढ़ाता रहा, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे जब कैप्ट की बात करते हैं
तीन प्रकार से शब्द यूज करते हैं कैप्ट, जैसे कि, तो इसके लिए हम कैप्ट ऑन करते हैं। तो एक एग्जांपल बता देता हूं मैं, जैसे कि मैं पढ़ाता रहा, आई कैप्ट ऑन टीचिंग, आई कैप्ट ऑन टीचिंग, मैं पढ़ाता रहा। अच्छा, इसके स्थान पर, कैप्ट ऑन के स्थान पर आप बेंट ऑन भी लगा सकते हैं, और इसके स्थान पर आप कंटिन्यू टू भी लगा सकते हैं। मेरी क्या डिटेल से पढ़ाने की आदत है, कंटिन्यू टू भी लगा सकते हैं। आई कैप्ट ऑन टीचिंग, आई बेंट ऑन टीचिंग, आई कंटिन्यूड टू टीच, अगर ऐसा करेंगे तो कंटिन्यू टू टीच होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बार और देख लेते हैं हम लोग, बड़े अच्छे ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको आसानी हो। आई नो, मुझे पता है। आई नो ही विल कम। आई न्यू, मुझे पता था। आई न्यू ही वॉज पुअर, मुझे पता था वह गरीब था। या आई न्यू ही वॉज इंटेलिजेंट, मुझे पता था वह होशियार था। आई बैट, शर्त लगा लो इस बार, अब ये तो राजनीति पोस्ट नहीं बोलना, राजनीतिक बात नहीं बोलना, शर्त लगा लो तुम पास हो जाओगे। आई बैट यू विल पास इन द एग्जामिनेशन। आई श्वेयर आई विल नेवर फॉरगेट यू, आई श्वेयर आई विल नेवर फॉरगेट यू। देन आई गॉट सिक, आई गुट, आई गॉट अपसेट, आई गॉट एंग्री, मैं गुस्सा हो गया, मैं अपसेट हो गया, ठीक है। आई टुक यू अ डॉक्टर, ठीक है। आई टुक यू अ फूल, मैंने तुम्हें एक मूर्ख समझा, ठीक है। आई टुक यू टू ए, हाँ, आई टुक यू अ डॉक्टर, मैंने तुम्हें डॉक्टर समझा, ठीक है। फाउंड, मुझे मिला। आई फाउंड हिम, जैसे आई फाउंड हिम प्लेइंग, मैंने उसे खेलते हुए पाया, ठीक है। आई फाउंड हिम डांसिंग, मैंने उसे नाचते हुए पाया, ठीक है। आई फाउंड, आई रेज्ड, मैंने बनाया। आई रेज्ड यू अ डॉक्टर, आई रेज्ड यू एन इंजीनियर, ठीक है। देन स्पेंट, आई स्पेंट वन आवर हैप्पीली, मैंने एक घंटा खुशी खुशी व्यतीत किया। एंड मेड, आई मेड हिम लाफ, मैंने उसे हंसाया। डोंट मेक मी लाफ, प्रेजेंट में आएगा तो मेक हो जाएगा, ठीक है, मेड हो जाएगा पास्ट में। आई फेल, आई फेल इन फीवर, आई फेल इन लव, आई फेल इन प्रॉब्लम, ठीक है। आई कैप्ट ऑन डांसिंग, आई कैप्ट ऑन वेटिंग, आई कैप्ट ऑन सिंगिंग, आई कैप्ट ऑन कुकिंग, आई कैप्ट ऑन लर्निंग इंग्लिश, आई कैप्ट ऑन टीचिंग। थैंक यू वेरी मच। तो कैसा लगा आपको यह वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और हमें बताइए कि आपको आगे भी इस प्रकार की वीडियो चाहिए। थैंक यू वेरी मच।